से चाय बना के तोला। क्यों महाराज, चला क्या? ये रोज रोज की मुसीबत मुझसे नहीं उठाई जाती, अब कौन मरेगा सारे घर के लिए? बर्तन माजो, रसोई करो, कपड़े धो। सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। कदम एक आदमी आया कि तो बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है। राजा सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। सुनते हो, बावर्ची आया है, खाना पकड़ने वाला है। चल जल्दी। तुम बिन जीवन कैसा जीवन। छोटी माँ, दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, उसका तो जवाब नहीं। कभी बड़ी माँ की मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। हो राई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल ई फॉर एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर रहे हैं। यूं तो उन्होंने ढेर सारी शानदार फिल्में बनाई हैं, लेकिन अब से 51 साल पहले रिलीज हुई फिल्म बावर्ची को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में राजेश खन्ना और जया बच्चन लीड रोल में थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक अनसुना किस्सा। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में यादगार भूमिका निभाई थी। हर फिल्म में राजेश का जादू दर्शकों के सिर चढ़ बोलता था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जितने प्रसिद्ध होते जा रहे थे, उतने ही अहंकारी भी होते जा रहे थे। किस्सा सन 1972 का है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का अफेयर शुरू ही हुआ था। फिल्म बावर्ची के सेट पर जया से मिलने अक्सर अमिताभ आया करते थे। यह बात राजेश को पसंद नहीं आती थी। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे थे और जया उनके ऑपोजिट थी। मीडिया की खबरें माने तो कहते हैं कि काका ने जलन की वजह से अमिताभ को मनहूस कह दिया था, जो जया को पसंद नहीं आया, और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना से कहा, एक दिन जमाना देखेगा यह इंसान कितना बड़ा स्टार बनेगा और आपका स्टारडम लंबे समय तक नहीं रहेगा। जया के मुंह से निकली बात सही साबित हुई। एक वक्त ऐसा आया कि राजेश को रिप्लेस कर अमिताभ स्टार बन बैठे। जंजीर फिल्म की सफलता ने अमिताभ को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और राजेश का स्टारडम डगमगाने लगा। तो ये था दोस्तों बावर्ची के पर्दे के पीछे की कहानी। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।